फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब गोविंद धाम और लोकल कंपलैक्स जो भी उत्थे होटल लॉज दुकाना ने सारे नोटिस जारी किए थे कि यह सारा ही अवैध निर्माण है। सो गुरद्वारा साहब ने इन दोनों नोटसा का जवाब विद डाकूमेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जमा करवाया। अजिहा कोई भी स्थान नहीं है जिसका कि किसी अवैध जगह के कोई निर्माण किया गया हो। सारे उच्च अधिकारी साहबान ने विश्वास दवाया कि अजिहा कोई भी कदम सरकार द्वारा ज किसी डिपार्टमेंट द्वारा नहीं चुकया जाएगा जिस न कि गुरद्वारा साहब में किसी लोकल लोकल व्यक्तियों का कोई नुकसान हो। सत श्री अकाल जी, मैं हरविंदर सिंह चावला रोजाना इस स्पोक्समैन टीवी ते तुहाडा सब दा स्वागत करदा। उत्तराखंड की एक खबर जिन्हें कि सारे विश्व भर के सिखा चिंता में लिया दिता सी, वह खबर सी कि उत्तराखंड जिहड़ा स्थान है हेमकुंड साहब उहनूं सरकार वल्लों तोड़न का ऑर्डर होया है। यह खबर चलन के नाल ही सारे सिख जगत में रोश सी। आखिर ऐसा क्यों होया कि उस पवित्र स्थान नूं सरकार वल्लों तोड़न का ऑर्डर होया है, उहदे बारे साडे नाल जानकारी सांझी कीती है सारी हेमकुंड साहब मैनेजमेंट दे जिहड़े मैनेजर हैगे सरदार सेवा सिंह जी, तुसीं जरूर सुनो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दो तीन दिनों तो गुरद्वारा गोबिंद धाम जो कि श्री हेमकुंड साहब यात्रा का मुख पड़ाव है उसके संबंध में मीडिया राही खबर आ रही सी। देश विदेश दी संगतां बहुत इस प्रति चिंता भी जाहर कर रही सन। इस दे संबंध में आप सब जी नूं दसना बनता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब गोबिंद धाम और लोकल कंपलैक्स जो भी उत्थे होटल लॉज दुकाना ने सारे नोटिस जारी किए थे कि यह सारा ही अवैध निर्माण है। सो गुरद्वारा साहब ने इन दोनों नोटसा का जवाब विद डाकूमेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जमा करवाया, क्योंकि गुरद्वारा साहब के कोल बहुत पुरानी सरकार वालों एक लीज डीड दी गई है, सरकारी दस्तावेज है जिस दे तहत ही गुरद्वारा साहब गोबिंद धाम अते उत्थे भवनां दा निर्माण होया है। अजिहा कोई भी स्थान नहीं है जिसका कि किसी अवैध जगह दे विच कोई निर्माण किया गया होवे। साडे ट्रस्टी साहबान की भी उच्च अधिकारी साहबान नाल विचार वटांदरा होया, विमर्श होया, विचार विमर्श हुई है फोन कॉल्स दे राही। उन्हां सारे उच्च अधिकारी साहबान ने विश्वास दवाया कि अजिहा कोई भी कदम सरकार द्वारा जां किसी डिपार्टमेंट द्वारा नहीं चुकया जाएगा जिस नाल कि गुरद्वारा साहब नूं अते किसी लोकल लोकल व्यक्तियों का कोई नुकसान होवे ते ना ही किसी समूह साध संगत दीआं भावनावां नूं कोई ठेस पहुंचे। इत्थों दा प्रशासन खासकर डीएम साहब का सुभाअ जां पहलीए रवैया गुरद्वारा प्रति बहुत ही सतिकार भरिया है, तो उन्होंने भी विश्वास दवाया कि अजिहा कोई भी कदम प्रशासनिक तौर पर नहीं चुकया जाएगा जिस नाल गुरद्वारा साहब की आस्था जां कोई ठेस पहुंचे जां संगतां दी आस्था कोई ठेस पहुंचे ते ना ही किसी लोकल व्यक्ति का कोई रुजगार नूं सट बजे। इन्हां ही दिनां विच बहुत सारिया देश विदेश तो हजारा ही फोन कॉल्स गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट नूं संगतां दी आईआं है। सो उन्हां आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कि इस घड़ी विच गुरद्वारा साहब के नाल पूरा अपना सत्कार जताया है, और आशा करते हैं कि इस तरह ही संगतों का प्यार सत्कार गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट के नाल बनिया रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। हरिद्वार के जिहड़ा गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहब है जिन्हों लैके सारी सिख संगत संघर्षशील है, वह अजे सिख संगत संगत को वापस नहीं मिल पाया। उस तो बाद जी घटना हैगी है उन्हें सारे सिख जगत नूं चिंता दे विच लिया दिता है। असी पल पल दी अपडेट तुहाडे नाल सांझी करदे रहांगे। वख-वख जथेबंदियां अते सिंह सभावां ने इहदे प्रति रोश व्यक्त कीता है। सारिआं दे नाल असी तुहानूं अपडेट पल पल दी जरूर सांझी करदे रहांगे। धन्नवाद जी।